आप नाडी वैद्य कायाकल्प संस्थान रोहतक में आए, आपको जो मस्सा था और अग्निक्रम चिकित्सा जो हमने आपको दी, आप उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, उन रोगियों को बताएं जो इसको कराने से हिचकते हैं या जिनको लज्जावश ऐसा लगता है कि हमें देखने में या कोई दूसरा हमें देख रहा है तो उससे हमें एक ग्लानी सी फील होती है क्योंकि हमारे ऊपर आंखों पर या कहीं चेहरे पर मस्सा है। तो आप अपने आप बताइए कि आपको यह अग्निक्रम चिकित्सा कैसी लगी? ये चिकित्सा बहुत अच्छी है, इसे करने से मुझे बहुत रिलीफ हुआ। मेरी आंखों में पहले बहुत सा रहता था कि यहाँ पर पलक झपकती थी, तो हटने से ना मुझे बहुत मतलब आराम हो गया है। और ना तो मैंने से कोई दवाई ली है और ना कोई दवाई खानी है मुझे, बहुत अच्छा महसूस तो हो रहा मुझे। जैसा कि हम इस चिकित्सा में बोलते हैं कि आपको ना पहले कोई दवाई दी जाएगी लगाने के लिए या खाने के लिए, ना बाद में दी जाएगी, या आपको कोई पेन किलर भी हमने दिया नहीं, आपको? नहीं कुछ नहीं दिया तो आपने मुझे। इस चिकित्सा को कराने से पहले आप जो घबराहट थी, जो आप अग्निक्रम से डर रहे थे कि कैसे शल्य शस्त्र को गर्म किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, नॉर्मल था बिल्कुल, मतलब खूब आराम से किया है, ना जलन हुई ना दर्द हुआ और ना मतलब हल्का हल्का महसूस हो रहा। अच्छा, तो अच्छा फील हो रहा है। दोनों आंखों से आप अच्छे से देख पा रही हैं? हाँ बिल्कुल। एक डर जो आपके अंदर था कि कैसे भाई आंख के ऊपर से हटेगा और मुझे परेशानी होगी, तो उससे तो कोई समस्या? शुरू में तो डर लगा एक बार, फिर अब मुझे कोई डर नहीं लगा। बाल करते वक्त तो बहुत अच्छा लगा मुझे और वो हट भी गया आसानी से। तो आप संस्थान को क्या के बारे में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू हिमांश जी।